नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज। पुराने कपड़े फेंके नहीं, इन्हें बेचकर आप हो सकते हैं मालामाल। अगर आपके पास हैं बहुत सारे पुराने कपड़े तो यहाँ है आपके पास कमाई करने का मौका। कुछ लोग कपड़ों से जल्दी उब जाते हैं और बहुत जल्दी जल्दी कपड़ों को पहनना छोड़ देते हैं। ऐसे लोग शायद ही इस बात से बेखबर हो कि आप अपने उन कपड़ों को बेचकर बन सकते हैं मालामाल। अगली स्लाइड में पढ़ें कैसे बन सकते हैं आप भी कमाई। जिन लोगों का मानना है कि नौकरी करने के बाद बिजनेस शुरू करना आसान नहीं है, क्योंकि नौकरी से इंसान को फिक्स्ड इनकम मिलती रहती है, लेकिन ये कहानी पढ़कर उनकी सोच बदल सकती है। हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने नौकरी छोड़कर अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और आज लाखों रुपए की कमाई कर रही है। अच्छा आइडिया और खुद पर विश्वास है सफलता की पूंजी। 35 साल की नतालिए गोमेज एक मर्चेंडाइजर प्लानर थी। लॉन्ग वर्किंग आवर से परेशान होकर गोमेज ने नौकरी छोड़ दी। कुछ हफ्ते बाद दूसरी नौकरी की तलाश में वे भटकी और इंटरव्यू भी दिए, लेकिन उन्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। इन्होंने नौकरी छोड़ यूज्ड कपड़े बेचने का बिजनेस शुरू किया और घर बैठे 65 लाख रुपए $1 लाख की कमाई कर ली। नौकरी ढूंढने के दौरान गोमेज ने देखा कि एक वेबसाइट यूज्ड कपड़े बेचने का मौका दे रही है। गोमेज ने उस कंपनी के बारे में पता किया और पाया कि कंपनी $15 से ज्यादा की कीमत वाले प्रोडक्ट में 20% कमीशन लेती है। ये आइडिया उन्हें भा गया और उन्होंने ये बिजनेस शुरू करना तय कर लिया। उन्होंने सबसे पहले अपने यूज्ड कपड़े बेचने की कोशिश की और इसमें सफल भी रही। 24 घंटे के अंदर उनकी ड्रेस $40 2,581 रुपए में बिक गई और यहीं से उनके यूज्ड कपड़ों की बिक्री का बिजनेस शुरू हो गया। कपड़ों की बिक्री से उत्साहित गोमेज ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मार्केट से कुछ कपड़े खरीदे और अपने घर से बेचने का काम शुरू किया। एक महीने में बिक्री बढ़कर 6.5 लाख रुपए $10,000 तक पहुंच गई। बिजनेस बढ़ने के साथ उन्होंने अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा दिया। फिर 8 महीने बाद गोमेज ने अपना ऑनलाइन स्टोर खोल दिया, जिससे उनकी बिक्री और कमाई काफी बढ़ गई। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।